चुनावी काफिले पर हुए हमले पर ओवैसी ने कहा है सदन में कि कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, आरोपियों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, धर्म संसद में मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ, हैदराबाद के सांसद, जिनके काफिले पर कल मेरठ में वो जब चुनावी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे तो छजारसी टोल प्लाजा के पास गाड़ी पर हमला होता है, चार राउंड फायरिंग की खबर वहां पर निकलकर सामने आती है, ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान होते हैं, तो आज सदन में ओवैसी सीधे तौर पर कई बड़ी बातें कहते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ए श्रेणी का नागरिक बनाइए। ओवैसी ये बड़ी बातें कहते नजर आए कि मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता, पीएम की सुरक्षा में चूक हुई तो मैंने बोला, सवाल खड़े हुए फिर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला था इसलिए मैंने बोला, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हुआ है, यूपी की जनता गोली चलाने वालों को जवाब देगी, मैं गोली चलाने वालों से डर कर नहीं बैठ सकता, चरमपंथ बढ़ने से हिंदुस्तान को नुकसान होगा। तो आखिर में एक जो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि भारत की दौलत मोहब्बत है, नफरत नहीं। रायपुर में और अलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके एनआईवी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया, जब मेरी आंख बने एक बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन में दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए, मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में, मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए, मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेक्युलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले, तुम क्यों बोले, मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए, मगर चार मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से चार चार गोली चलाता है, मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाल्लाह।